ॐ श्री गणेशाय नमः। वागर्थाविव संप्रिक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंध चतुर्थाध्याय हिरण्यकशिप के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच एवं वृतः सत धृतिर् हिरण्यकशिपो रथ प्रादात् तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान्। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार अत्यंत दुर्लभ वर मांगे, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वे वर दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर दिए देता हूँ। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते, वे समर्थ एवं भगवत स्वरूप ही हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की, तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकशिपु का शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान एवं हृष्ट पुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुण, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच राज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिए। अब वह नंदन वन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा था। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोकों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने की गचें, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदूर्य मणि के खंभे और माणिक की कुर्सियाँ थीं। रंग बिरंगे चंदोवे तथा दूध के फेन के समान सैयाएँ थीं, जिन पर मोतियों की झालरें लगी हुई थी, शोभायमान हो रही थीं। सर्वांग सुंदरी अप्सराएं अपने नूपुरों से रुनझुन ध्वनि करती हुई रत्नमय भूमि पर इधर उधर टहला करती थीं और कहीं कहीं उसमें अपना सुंदर मुख देखने लगती थी। उस महेंद्र के महल में महाबली और महामनस्वी हिरण्यकशिपु सब लोगों को जीत कर सबका एकच्छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। युधिष्ठिर, वह उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आँखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती थीं। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बल का वह भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सिवाय और सभी देवता अपने हाथों में भेंट ले लेकर के उसकी सेवा में लगे रहते थे। जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया, तब युधिष्ठिर, विश्वावसु, तुम्बुरु,
तथा हम सभी लोग उसके सामने गान करते थे। गंधर्व सिद्ध ऋषिगण विद्याधर और अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति करती थीं। युधिष्ठिर, वह इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता था। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती से अन्न पैदा होता था। वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता तथा आकाश उसे भांति भांति की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखा कर उसका मनोरंजन करता था। इसी प्रकार खारे पानी, सूरा, घृत, एक छुरस, दधि, दुग्ध और मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुँचाया करते थे। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते और वृक्ष सब ऋतुओं में फूलते फलते। वह अकेला ही सब लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता था। इस प्रकार दिग्विजयी और एकच्छत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा। परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति न हो सकी क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास ही तो था। हे युधिष्ठिर, इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादियों ने साप दिया था। वह ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था तथा घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठोर शासन से सब लोग और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय नहीं मिला तब उन्होंने भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा, जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्रीहरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना करने लगे। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठीं। साधुओं को अभय देने वाली वह वाणी इस प्रकार थी, हे श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता था, मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है, वह शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब यह अपने वैरहीन शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी इसे मैं अवश्य मार डालूँगा। नारद जी कहते हैं, सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को यह आदेश दिया तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए। उनका सारा उद्वेग मिट गया और उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकशिपु मर गया। युधिष्ठिर, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के बड़े ही विलक्षण चार पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यों तो सबसे छोटे थे परंतु गुणों में सबसे बड़े थे।
वे बड़े संत सेवी थे। ब्राह्मण भक्त सौम्य स्वभाव सत्य प्रतिज्ञ एवं जितेंद्रिय थे तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का वर्ताव करते थे और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुक कर रहते थे। गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे। बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते थे और गुरुजनों में भगवत भाव रखते थे। विद्या धन सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड और हेकड़ी उन्हें छू तक नहीं गई थी। बड़े बड़े दुखों में भी वे तनिक भी घबराते नहीं थे। लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था परंतु वे उन्हें निहिसार और असत्य समझते थे। इसलिए उनके मन में किसी भी वस्तु की लालसा नहीं थी। इंद्रिय प्राण शरीर और मन उनके वश में थे। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से असुर होने पर भी उनमें आसुरी संपत्ति का लेश भी नहीं था। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं वैसे ही प्रह्लाद के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते हैं और उन्हें अपनाते आए हैं तथापि वे आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। युधिष्ठिर, यों तो देवता उनके शत्रु हैं परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है तब वे दूसरे भक्तों को प्रह्लाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर आप जैसे अजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अगणित गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही गुण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। युधिष्ठिर, प्रह्लाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत की कुछ शुद्ध बुद्ध ही नहीं रहती थी। उन्हें ऐसा जान पड़ता कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं। इसलिए उन्हें सोते बैठते खाते पीते चलते फिरते और बातचीत करते समय भी इन बातों का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता था। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए इस भावना में उनका हृदय इतना डूब जाता कि वे जोर जोर से रोने लगते थे। कभी मन ही मन उन्हें अपने सामने पाकर आनंद उद्रेक से ठहाठहा कर हंसने लगते। कभी उनके ध्यान के मधुर आनंद का अनुभव करके जोर से गाने लगते। वे कभी उत्सुक हो बेसुरा चिल्ला पड़ते। कभी कभी लोग लज्जा का त्याग करके प्रेम में छक कर नाचने भी लगते। कभी कभी उनकी लीला के चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद ही नहीं रहती, उन्हीं का अनुकरण करने लगते। कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल संस्पर्श अनुभव करके आनंद में मग्न हो जाते और चुपचाप शांत होकर बैठ रहते। उस समय उनका रोम रोम पुलकित हो उठता। अध खुले नेत्र अविचल प्रेम और आनंद के आंसुओं से भरे रहते। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे स्वयं तो परमानंद में मग्न हो रहते ही थे। जिन बेचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो रहा था उन्हें भी बार बार शांति प्रदान करते रहते थे। युधिष्ठिर, प्रह्लाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान
और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकशिपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, आपका व्रत अखंड है। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया? पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो वे उसे शिक्षा देने के लिए ही डांटते हैं। शत्रु की तरह वैर विरोध तो नहीं करते? फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल शुद्ध हृदय एवं गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कर ही कैसे सकता है? नारद जी, आप सब कुछ जानते हैं। हमें यह जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा यह कौतूहल शांत कीजिए। हरि शरणम श्री कृष्णार्पणमस्तु।